देपालपुर नगर की बेटी हंसाबेन राठौर हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। देपालपुर की बेटी ने दिल्ली में इतिहास रचा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए हंसाबेन राठौर महिला पहलवान का भारत की ओर से चयन हुआ है। जुलाई में हंगरी में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में देपालपुर के पहलवान का चयन हुआ है। वहीं आज पूरा परिवार अपने निवास पर खुशियां मना रहा है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर पूरा परिवार खुश नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में माही ने अपनी माँ को खोने के बाद भी हौसला बनाए रखा। वह माँ के सपनों को पूरा करने के लिए सतत मेहनत करती रही, क्योंकि माही के पिता और उनकी माँ का सपना था कि माही देश का नाम रोशन करे। वहीं अपने दादा व पिता पूर्व में तहसील स्तरीय पहलवान रहे, उनसे गुर सीखने वाली बेटी अब देश के नाम पदक जीतकर अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। हंसा राठौर ने विश्व के पांचवें धाम 24 अवतार मंदिर की पावन नगरी देपालपुर के साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन किया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 19 से 25 जुलाई तक बुडापेस्ट हंगरी में होगी। विश्व चैंपियनशिप में इंडिया टीम का चयन ट्रायल दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें महिला फ्री स्टाइल के 57 किलो में कृपाशंकर खेलकूद संस्थान देपालपुर की पहलवान ने हरियाणा के पहलवानों को हराते हुए टीम इंडिया में अपना स्थान पक्का किया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण, अर्जुन पुरस्कार विजेता कृपाशंकर विश्नोई, कुश्ती कोच राम यादव, अनिल राठौर, मुकेश कुमार सेन व युवा कल्याण विभाग ने बधाई दी व उज्ज्वल भविष्य की कामना की। माही ने मध्य प्रदेश की तरफ से नौ बार मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है और उसमें से 6 नेशनल में मेडल है माही के, 4-5 मेडल इसके ब्रॉन्ज है और 1 मेडल सिल्वर है। जो मध्य प्रदेश के लोकल टूर्नामेंट होते हैं, मुख्यमंत्री कप है और भी दूसरे कप है, उसमें अनेकों बार ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका उद्देश्य कुछ भी नहीं था, एक जागरूकता लाना थी कुश्ती के प्रति, तो कुश्ती के प्रति जागरूकता लाना के लिए ही हमने महिला हमारी बेटी को कुश्ती के अंदर उतारा। क्योंकि मैं भी पहलवानी करता था मल्हार आश्रम में, मैं एक अच्छा पहलवान कभी नहीं बन सका, तो मैंने वहीं से प्रण लिया था कि मैं नहीं बन सका, लेकिन मेरे गांव से कोई भी पहलवान बने तो कोई भी से मतलब फिर क्या, फिर बेटी ने ही पहलवानी चालू करी। और बेटी ने 2015 से लेकर 2021 तक हर बार मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें से पूरे परिवार को जाता है और ख़ासकर जो श्रेय सबसे अधिक अगर जाता है किसी को, वो इनकी माता है स्वर्गीय अर्चना राठौर, जिन्होंने हमारा साथ कोरोना काल में छोड़ दिया दिसंबर में, और वहाँ डिप्रेशन में आने के बावजूद हमारी महिला पहलवान हंसाबेन ने एक मजबूत से बोला कि पापा, बोले आप कोई बात नहीं, अब मैं आपको टूटने नहीं दूंगी, मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगी। एक वाक्य था कि नेशनल जो अभी हाल 19 से 21 मार्च का बेल्लारी के अंदर हुआ था, तो वहाँ इसका कांस्य पदक आया था, और कांस्य पदक से पापा बोला मेरा मेडल आया, बोले फ़ोटो खिंचवा लो, तो मैंने इसको मना कर दिया था, डांट दिया था। मैं कहा मैं गोल्ड मेडल के लिए ही आशा रखता हूँ, मैं आपके साथ जब फ़ोटो खिंचाऊँगा, जब आप मेरे को कोई गोल्ड मेडल दोगी या कहीं इंडिया रिप्रेजेंट करोगी। उसके बाद उसने जो बोला कि पापा आज फादर्स डे जो बीते दिनों निकल गया एक दिन पहले, मैं आपको ये फादर्स डे पे ये गिफ्ट देना चाहती हूँ और ये प्रथम आके ही आपको बताऊँगा, और उसने अपना वादा पूरा किया और बिल्कुल बेधड़क जो सबसे मजबूत प्रतिनिधि रहते हैं हरियाणा के, दोनों ही हरियाणा के पहलवानों को हराया है इसने।